नमस्कार, मैं राजेंद्र जोशी, सहाचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय सांबरली, जिला जयपुर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। आज अर्थशास्त्र के लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे विश्व प्रचलित देशों में कितनी तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन अर्थव्यवस्थाओं में जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सबसे प्रथम जो अर्थव्यवस्था मोस्ट कॉमन जो देखी जा सकती है उसको हम बोलते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था में वस्तु की उपलब्धता कीमत प्रणाली द्वारा तय की जाती है। जो व्यक्ति उस वस्तु की कीमत देने को तैयार है उस वो व्यक्ति उस वस्तु को ले सकता है, अन्यथा नहीं। ये सारी चीजें कीमत प्रणाली द्वारा तय होती है। कीमत प्रणाली का मतलब ये होता है कि बाजार व्यक्ति की मांग क्या है और उस व्यक्ति की मांगी हुई वस्तु की पूर्ति क्या है, दोनों के इंटरेक्शन से कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, उस कीमत के निर्धारण पर उस व्यक्ति की अफोर्डेबिलिटी तय हो जाती है कि हाँ ये व्यक्ति कीमत तय कर रहे, कीमत देने को तैयार है, इस आधार पर उसको मिल जाती है। ये सामान्य अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका जैसे विकसित देशों में है, अन्य विकसित देशों में भी ये चीज देखी जा सकती है। हमारे यहां पर भी ये मुक्त व्यापार की बात होती है, ज्यादातर वस्तुओं में मुक्त व्यापार की बात की जाती है। यहां पे दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था होती जिसको हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी या सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। पूर्व में जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, वहां पे कमांड इकोनॉमी थी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी। इसमें क्या होता है कि कौन से व्यक्ति को क्या चीज उपलब्ध कराई जानी है, कौन सी वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जानी है, ये सारी चीज तय बाजार न करके एक सरकार तय करती है। उसको न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, उसको रहने के लिए क्या क्या चीज, कैसा मकान चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए, क्या खाने को चाहिए, सारी चीजें स्टेट तय करता है। और उसी के आधार पे स्टेट की मटेरियलिस्टिक प्लानिंग होती है और मटेरियलिस्टिक प्लानिंग के आधार पे वस्तुओं की उपलब्धता तय की जाती है। तीसरी तरह की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है और भारत आजाद होने पर हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमने अडॉप्ट किया था। इसमें शुरुआती दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर हम निजी या कीमत प्रणाली वाली अर्थव्यवस्था भी शामिल करते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था भी शामिल करते हैं और प्लस एक सार्वजनिक क्षेत्र को भी हम इसमें शामिल करते हैं, उसमें सरकारी तंत्र का भी सम्मिश्रण करते हैं। कहने का मतलब दो चीजें हो गई, एक तो हो गई मुक्त अर्थव्यवस्था प्लस जो कमांड इकोनॉमी की बात है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात है, उस दोनों के मुख्य फीचर्स की हमने यहाँ पे बात की। दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमने भारत में अडॉप्ट किया। हो सकता है कुछ देशों में इसका अडॉप्शन हुआ हो, लेकिन हमने शुरुआती दौर में 50% की अर्थव्यवस्था जो थी वो निजी क्षेत्र के लिए रखी और 50% की अर्थव्यवस्था हमने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखी। धीरे धीरे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम होता गया। ग्लोबलाइजेशन के दौर पे हमने कुछ ही चीजों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का रखा है, बाकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था हमने निजी क्षेत्र के लिए खो दी थी। तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं और तीन तरह की अर्थव्यवस्था में अलग अलग निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं वो आपको नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।